हेलो एवरीवन, आज है 29 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DHFL के बारे, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में। आज ये शेयर तकरीबन 170 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज इसमें 15 रुपए की गिरावट है, 8% से भी ज़्यादा की इसमें गिरावट आज देखने को मिली है और इसकी वजह भी ये है, वो उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और शायद आने वाले दिनों में ये गिरावट और भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसकी भी एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। तो वो वजह कौन सी है उसके बारे में हम बात करें। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए, अभी भी 70% लोग कह रहे हैं कि DHFL अच्छा स्टॉक्स है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और जहाँ से आप देख रहे हैं कि 25% लोग बेचने के लिए बोल रहे हैं, 5% कह रहे हैं कि होल्ड कर लो, पैसा अभी भी बनेगा। तो अभी अगर DHFL के बारे में अब मैं बात करूं तो जो सबसे पहली न्यूज़ आई है वो ये है कि कोबरा पोस्ट अक्यूज से कि सबसे पहले कोबरा पोस्ट क्या है? तो कोबरा पोस्ट एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक बहुत ही बड़ा, आप इसको चैनल कह सकते हैं। तो कोबरा पोस्ट ने DHFL के प्रमोटर्स पे अक्यूज़ किया है कि ये लोग 31,000 करोड़ के मतलब जो पैसे हैं उन्होंने इन्होंने घपलेबाजी की है। उन्होंने इन्होंने पब्लिक पब्लिक फंड के जो पैसे हैं उन्हों उसमें स्कैम की क्या उन्होंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे स्कैम देखने को मिला है, इतने बड़े अमाउंट का स्कैम। तो देखिए, 31,000 करोड़ कोई छोटी अमाउंट नहीं होती। द कोबरा पोस्ट अक्यूज DHFL प्राइमरी प्रमोटर ऑफ हैविंग शिफ्ट ऑफ मोर देन 31,000 करोड़ पब्लिक मनी। तो लोगों के ही पैसों के इतने बड़े पैसों का घोटाला यहाँ पे देखने को मिला है। तो द मनी हैज बिन यूज टू बाई शेयर्स, इक्विटी एंड अदर प्राइवेट असेट्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंक्लूडिंग द कंट्रीज लाइक यूके, दुबई, यूनाइटेड अरब, श्रीलंका। देखिए, कोबरा पोस्ट ने कहा है कि जो पैसा इन्होंने शेल कंपनीज को दिया था बिना किसी गारंटी के, ठीक है, तो इन्होंने शेल कंपनीज को बिना किसी गारंटी के इतना बड़ा अमाउंट दे दिया और उन कंपनियों ने वो सारा असेट्स शेयर्स खरीदने के लिए, इक्विटी खरीदने के लिए और प्राइवेट असेट्स थे तो प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए उन्होंने वहां पे लगा दिया। द कोबरा पोस्ट हैज क्लेम दैट द शेयर कंपनीज एंड द डेस्टिनेशन ऑफ द सॉफ्ट ऑफ मनी लिंक इन ओन बाय प्रमोटर्स ऑफ DHFL। तो DHFL के प्रमोटर्स हैं, उन्होंने किया था, द वाधवान है, उन्होंने ही ये सब किया हुआ है। इट हैज इलीच द अराउंड 21,400 करोड़ ऑफ DHFL फंड दैट ट्रांसफर इन टू द मल्टीपल शेयर कंपनीज एज अ लोन एंड इन्वेस्टमेंट विदाउट एनी डिक्लेरेशन टू द मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि 21,500 करोड़ के ऑलमोस्ट सिर्फ DHFL का जो फंड था उसी को अलग अलग सेल कंपनी को एज अ लोन दिया गया विदाउट एनी डिक्लेरेशन। इन द स्टेटमेंट क्लैरिफाई द स्टैंड द एक्विजिशन द DHFL टू CNBC टीवी दैट दे विल परस्यू दिस फॉर, ठीक है। तो डेफिनेटली DHFL सामने आके कहा है कि वो इसमें देखेंगे कि आखिर क्या है। DHFL सेड एडिंग दैट द कंपनी हैज मीट द ऑब्लिगेशन लेंडर रीपे ओवर 70,000 इन द लास्ट 3 मंथ। तो देखिए, DHFL ने कहा भी है कि 17,000 रीपे हो चुका है इन लास्ट 3 मंथ, तो DHFL की तरफ से भी कहा गया, लेकिन कोबरा पोस्ट की तरफ से इतना बड़ा एलिगेशन लगाया गया है। और ये सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल BJP को भी यहाँ पर लपेटा गया है कि कोबरा पोस्ट है अक्यूज दैट द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन NBFC अंडर रिपोर्टेड डोनेशन ऑफ अराउंड 20 करोड़ टू द रूलिंग, ठीक, BJP को 20 करोड़ का फंडिंग मिला है, दिया गया था DHFL की तरफ से, ये कोबरा पोस्ट ने कहा है। कोबरा पोस्ट हैड क्लेम दैट द डोनेशन ऑफ 19.5 करोड़ वाज गिवन टू द BJP बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर, देखिए 2014 और 2015 के बीच में BJP को 19 तकरीबन 20,000 करोड़ दिए गए थे बाय द RKW डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, स्किल रिटेलर प्राइवेट लिमिटेड एंड दर्शन डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से इनको ये डोनेशन दिए गए थे और
द आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स डोंट शो एनी डोनेशन इन देयर बैलेंस शीट। और ये है कि डोनेशन इन अलग अलग तरीके से दिए गए और अपनी बैलेंस शीट में एक भी आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स ने अपनी बैलेंस शीट में ये डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया 2014-2015। सिमिलरली द स्किल रिटेलर डोनेशन ऑफ सम ऑफ 2 करोड़ इन 2015 बट फेल टू शो द सेम बैलेंस शीट। तो कोबरा पोस्ट ने कहा है कि इन अलग अलग कंपनियों के द्वारा बीजेपी को भी फंड दिया गया लेकिन उन्होंने अपनी बैलेंस शीट में इसका जिक्र तक नहीं किया, बैलेंस शीट में ये बताया तक नहीं है। अब दूसरा आर्टिकल ये है कि देखिए DHFL के 8% से ज़्यादा तो टूट चुका है शेयर और शायद ये जो एलिगेशंस है वो शायद और आगे तक जा सकते हैं। और एक बड़े नेता है यशवंत सिन्हा, उन्होंने डिमांड की है कि आखिर ये जो भी फंडिंग का ये जो भी इश्यू है उसके बारे में एक्शन लिया जाना चाहिए। तो हालांकि अभी DHFL के लिए अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा गिरावट इसके शेयर्स में देखने को मिली है और इनके साथ एक और कंट्रोवर्सी जुड़ चुकी है। तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में इसके शेयर्स में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। जब तक ये कंट्रोवर्सी इनके साथ रहेगी तब तक इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी ना। और लेकिन मेरा मानना है कि चाहे कितने भी गिरावट आ जाए शायद इसमें गिरावट ज़रूर आएगी। और अगर आप बहुत बड़ा नुकसान लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर आप DHFL में बहुत ही बड़ा नुकसान लेके बैठे हुए तो मुझे नहीं लगता कि, अगर आपका नुकसान छोटा है ठीक है, अगर आपने 200 में खरीदा है तो शायद आप इसको बेच सकते हैं, लेकिन आपने बड़ा नुकसान लेके बैठे हैं तो मेरे हिसाब से आप इस शेयर को कम से कम 4 या 5 साल के लिए होल्ड कर लीजिए तो ही आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपका नुकसान छोटा है तो आप इसको बेच के निकल सकते हैं, छोटा नुकसान हो तो निकल सकते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान हो तो ये समझिए कि आप इसको अपने बुढ़ापे के लिए, बुढ़ापे भी नहीं मैं नहीं बोलूँगा, कम से कम 5 या 6 साल के लिए आपको इसको होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके आपको इसमें प्रॉफिट दिखेगा। तो हाल फिलहाल कॉन्ट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा है इसके शेयर्स को लेकर, तो इसकी वजह से गिरावट आना भी पॉसिबल है और शायद गिरावट इसमें आएगी, थोड़ी और गिरावट भी इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।